नमस्कार, स्वागत है आप सभी का A1 टीवी में। मैं हूं आपके साथ उमंग माथुर और आप देख रहे हैं A1 उत्तराखंड। आइए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन पहले नजर डालेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। देशभर में छठ पर्व की धूम, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दी प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं, तो खटीमा में विभिन्न स्थानों पर हो रही छठ पूजा में की शिरकत, सूर्य देवता से सभी देशवासियों के लिए खुशहाली की कामना। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का हल्द्वानी दौरा, शहीद स्मारक पर राज्य आंदोलनकारी और शहीदों को दी श्रद्धांजलि, मिनी स्टेडियम में उत्तराखंड महोत्सव में भी की शिरकत। चारधाम प्रोजेक्ट में सड़क के चौड़ीकरण के मसले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, कहा 1962 की तरह हम सोए नहीं रह सकते, तो वहीं सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने चारधाम परियोजना को राष्ट्रीय सुरक्षा से जोड़ा। उत्तराखंड में कांग्रेस की गुटबाजी आई सामने, किच्छा में पर्यवेक्षक के सामने दो गुटों में घमासान, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष तिलक राज बेहड़ को विधानसभा टिकट देने का कर रहे हैं विरोध। नैनीताल हाईकोर्ट ने पलटा सीबीआई कोर्ट का फैसला, भाटी हत्याकांड में उत्तर प्रदेश के बाहुबली नेता डीपी यादव को किया बरी, हत्या के मामले में दोषी मानकर आजीवन कारावास की सुनाई थी सजा। अब आइए खबरों पर नजर डालते हैं विस्तार से। उत्तराखंड की चुनावी सियासत गरमाने के लिए भाजपा के केंद्रीय नेताओं को, आपको बता दें कि 11 नवंबर से प्रदेश में देखने को मिलेंगे, क्योंकि उनके धुआंधार दौरे शुरू हो जाएंगे। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 15 नवंबर को दो दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड आएंगे। वो कुमाऊं मंडल के अल्मोड़ा व रुद्रपुर में प्रवास कर सकते हैं। इस महीने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के प्रवास और जनसभाओं के कार्यक्रम भी लगभग तय हो गए हैं, जिनकी पार्टी जल्द ही घोषणा करेगी। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक की अध्यक्षता में प्रदेश महामंत्रियों के साथ हुई बैठक में केंद्रीय नेताओं के प्रवास कार्यक्रमों पर भी मंथन हुआ। देर शाम तक चली बैठक में 11 नवंबर से 30 नवंबर तक के कार्यक्रम तय कर दिए गए हैं। तो 21वें राज्य स्थापना दिवस समारोह को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हल्द्वानी दौरे पर रहे। सबसे पहले शहीद स्मारक पर पहुंचकर राज्य आंदोलनकारी और शहीदों को श्रद्धांजलि दी, तो उसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हल्द्वानी के मिनी स्टेडियम में उत्तराखंड महोत्सव में शिरकत की, जहां कार्यक्रम में उन्होंने जनता का अभिवादन किया। तो वहीं कार्यक्रम स्थल पर हजारों की संख्या में लोग पहुंचे, लोगों ने कार्यक्रम के माध्यम से मुख्यमंत्री धामी का स्वागत किया। तो वहीं सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया। साथ ही साथ आपको बता दें कि सेना के अधिकारियों, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवानों को भी सम्मानित किया गया। समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के अग्रणी विजन को लेकर 2025 का लक्ष्य रखा है, जिसे लेकर लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। प्रदेश को बनाने में जिन्होंने अपना योगदान दिया, अपने प्राणों का बलिदान दिया, देश की सीमाओं पर रक्षा करते हुए अपने प्राणों का बलिदान दिया और साथ में देश के स्वतंत्रता संग्राम में जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं, ऐसे जो अर्धसैनिक बलों में, सेना में जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान किया है, देश के लिए सर्वोच्च अपना निछावर किया है, मैं उन सभी को नमन करता हूँ। और निश्चित रूप से चूँकि ये हम आज 21वां अपना स्थापना दिवस मना रहे हैं, इस दिवस के अवसर पर मैं सभी प्रदेशवासियों को, सभी को शुभकामनाएं देता हूं और हम वचनबद्ध और संकल्पबद्ध हैं कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो 2025 का हमारे सामने विजन रखा है कि 2025 में जब हमारा ये राज्य 25 वर्ष का होगा, जब हम इसका रजत जयंती वर्ष मना रहे होंगे, उस समय हिंदुस्तान का ये हर क्षेत्र में अग्रणी राज्य होगा, श्रेष्ठ राज्य होगा। तो वही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी छठ पर्व पर अपने विधानसभा क्षेत्र पहुंचे। आपको बता दें कि जहां मुख्यमंत्री ने खटीमा में विभिन्न स्थानों पर हो रही छठ पूजा में हिस्सा लिया, तो वहीं इस दौरान मुख्यमंत्री ने सूर्य देवता से सभी देशवासियों के लिए खुशहाली की कामना की। पूर्वांचल समाज के लोगों ने भी मुख्यमंत्री को पगड़ी पहनाकर सम्मानित किया।
आपको बता दें कि 9 साल बाद मुख्यमंत्री ने बड़िया और बरीगांव में हुई छठ पूजा में भाग लिया। तो वहीं दिनेशपुर में पूर्वांचल समाज की ओर से छठ पूजा का आयोजन किया गया, जिसमें नगर की परिक्रमा करते हुए छठ घाट पर जाकर इसे समाप्त किया गया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे ने नगर पंचायत के द्वारा छठ घाट पर बनाए जा रहे टीन शेड निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। और साथ ही साथ आपको बता दें कि सभी प्रदेशवासियों को छठ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं थी। इस पावन पवित्र छठ त्यौहार की बहुत बहुत शुभकामना बधाई। विशेष तौर पे सूर्य को अर्घ देना और समाज का कल्याण, परिवार की खुशहाली के लिए और प्रकृति की पूजा इसमें विशेष है। मैं पुनः आपके माध्यम से जो लोग हमारे भाई बहन इस त्यौहार को मनाते हैं, जो नहीं भी मनाते। तो वहीं मसूरी में हिमालयन कार रैली को पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज और मंत्री गणेश जोशी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। आपको बता दें कि हिमालयन कार रैली का 40 साल बाद फिर से आयोजन हुआ है। ये रैली दिल्ली से शुरू हुई और कोटद्वार होते हुए लैंसडाउन और धनोल्टी होते हुए मसूरी पहुंची और ये रैली कैंपटी फॉल होते हुए पोंटा साहिब नहान सोलन से कुफरी पहुंचेगी। मेरा पहला प्यार मोटर स्पोर्ट्स रहा है। मैंने वर्जिश भी पैरालिसिस में शुरू करी थी क्योंकि मुझे गाड़ियाँ चलानी थी, मुझे मोटरसाइकिल चलानी थी और मुझे लगता है कि जो पहिए ईश्वर ने मेरी ज़िंदगी में दिए व्हीलचेयर के रूप में, वो पहिए मुझे अपनी पसंद के पहिए जो कि रैलीज हैं, मोटर स्पोर्ट्स है, मोटरसाइकिलिंग है, क्योंकि मैं एक दिव्यांग महिला हूँ, मेरे उड़ान के लिए पंख मेरी अपंगता काट नहीं सकती, तो यही है कि मैं इस रैली में पार्टिसिपेट कर रही हूँ। मैं भारत की पहली महिला भी रही हूँ जिसने चेस्ट बिलो पैरालिसिस में रेड द हिमालय भी। तो वहीं उत्तराखंड के विधानसभा चुनाव में लगातार सक्रिय दिखाई दे रही कांग्रेस आरोप प्रत्यारोप के आधार पर चुनाव जीतने की कोशिश कर रही है। लगातार कांग्रेस के नेताओं के द्वारा मीडिया को दिए जाने वाले बयान तो कुछ इसी ओर इशारा कर रहे हैं। दरअसल ऋषिकेश पहुंची गढ़वाल की मीडिया प्रभारी गरिमा दसौनी ने एक प्रेस वार्ता की। इस दौरान विधानसभा चुनाव को लेकर उन्होंने भाजपा पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि भाजपा के कार्यकाल में जितनी चरम पर महंगाई पहुंची है उतनी किसी भी पार्टी के कार्यकाल में नहीं पहुंची। हमने वादा किया है कि हम उत्तराखंड को रोजगार के क्षेत्र में एक मॉडल राज्य बनाकर छोड़ेंगे। हमने ये वादा किया है हमारे पंडा पुरोहित समाज से कि बहुत हो गया आपका अपमान, कांग्रेस पार्टी सरकार में आते ही जो पहला काम पहली कलम से करेगी वो है देवस्थानम बोर्ड को निरस्त करने का। हमारे युवाओं में एक बड़ी मांग सख्त भू कानून की उठ रही है। हमने वादा किया है, हमारे समय पर भू कानून लागू भी था, यहाँ पर त्रिवेंद्र सरकार ने आते ही अपने प्रचंड बहुमत के बलबूते उसको हटाने का काम किया, उत्तराखंड को गिरवी रखने का काम किया, उसको बेचने का काम किया, ओपन फॉर ऑल कर दिया। हम एक सख्त कानून लेकर आएंगे हमारा। तो ये हल्द्वानी में कांग्रेस की जनसभा को जिला प्रशासन ने निरस्त कर दिया है, जिससे नाराज होकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने डोईवाला विधानसभा में उपवास रख धरना दिया। कांग्रेस के नगर अध्यक्ष राजवीर खत्री ने कहा कि कांग्रेस के कार्यक्रम से भाजपा पूरी तरह डरी हुई है और इसी वजह से भाजपा के दबाव में प्रशासन ने कार्यक्रम की परमिशन रद्द कर दी। आने वाला समय कांग्रेस का है और लोग जिसकी पहले परमिशन दे दी गई फिर बाद में निरस्त कर दी गई, वो इसलिए क्योंकि काफ़ी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने और नेताओं ने कांग्रेस ज्वाइन करनी थी। बड़ा पूर्व निर्धारित कार्यक्रम में एक हल्द्वानी में रखा गया था
जिसमें बहुत भारी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता पार्टी छोड़कर आज कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करने वाले थे। वही कोटद्वार में आम आदमी पार्टी द्वारा आयोजित तिरंगा यात्रा में जुटी भीड़ ने राजनीतिक दलों की चिंता बढ़ा दी है। आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री उम्मीदवार कर्नल अजय कोठियाल के स्वागत में लोगों और युवाओं का हुजूम उमड़ पड़ा और कार्यकर्ताओं में भी उत्साह देखने को मिला। इस दौरान कोठियाल ने कहा कि इस यात्रा के द्वारा हम जनता के बीच जा रहे हैं। देखिए, इस यात्रा का मकसद क्या है कि जाकर के जनता के बीच में जाएं और जनता को समझाएं कि जब हम पावर में आएंगे तो जिन मुद्दों को हम बोल रहे हैं कि हम इमीडिएटली इंप्लीमेंट करेंगे उन्हें कैसे करेंगे, और साथ में जनता से पूछ रहे हैं कि आप बताओ एरिया स्पेसिफिक आपको क्या लगता है कौन से मुद्दे हैं जिनको कि हमें प्रायोरिटी देनी चाहिए, और उस बेसिस पे हम अपना मैनिफेस्टो बनाएंगे और 2022 के इलेक्शन में वही हमारा जनता के बीच में जाकर के इलेक्शन लड़ने का तरीका होगा। तो वही आपको बता दें कि किच्छा विधानसभा सीट पर कांग्रेस में लगातार घमासान जारी है। रुद्रपुर में पार्टी मीटिंग में पर्यवेक्षक राजेंद्र यादव के समक्ष किच्छा विधानसभा टिकट को लेकर दो गुटों में घमासान देखने को मिला। राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री और नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा सीट के पर्यवेक्षक राजेंद्र यादव उधम सिंह नगर जनपद की विधानसभा की सीटों के कार्यकर्ताओं और पार्टी के पदाधिकारी से वार्ता कर रहे थे। इसी बीच किच्छा विधानसभा सीट पर दावेदारी कर रहे ग्रुप के लोग नाराज हो गए और सभागार में हॉल में नीचे बैठ गए, जहां उन्होंने कांग्रेस के कार्यकारिणी प्रदेश अध्यक्ष तिलक राज बेहड़ को किच्छा विधानसभा सीट से टिकट दिए जाने का विरोध जताया। उन्होंने तिलक राज बेहड़ को टिकट ना देकर किच्छा के स्थानीय नेता को टिकट देने की पुरजोर मांग उठाई। खटीमा तक सारे जो है टिकटार्थियों को हमने बुलाया है, और इसके सिवाय पार्टी के सीनियर लोगों को सबको इकट्ठा किया है और रायशुमारी करके सबसे आवेदन ले रहे हैं। इस आवेदन के बाद इसकी स्क्रूटनी हो जाएगी और इसके बाद इसमें जो सर्वे होगा उस सर्वे के साथ जो नतीजे आएंगे उसके साथ पार्टी को जो है प्रदेश PCC को भेज देंगे और PCC उसमें निर्णय करके कांग्रेस आला कमान टिकट मांगने का, जहाँ तक उनका आरोप है कि दो बार वाले हारे की पॉलिसी मैटर है ये पार्टी का। मैं अकेला नहीं हूँ, कम से कम भी 30-40 लोग होंगे जो इस दायरे में आते होंगे, और मैं अकेला ही नहीं आता हूँ, पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष इसके अंदर आते हैं। तो मैं आपको बता दें कि कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कार पार्किंग का निरीक्षण कर मौके पर मौजूद अधिकारियों को जल्द से जल्द कार्य पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों से सख्त लहजे में 20 नवंबर तक कार पार्किंग के निर्माण की बात कही और साथ ही ये भी कहा कि लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि मसूरी में पार्किंग को लेकर उन्होंने बहुत संघर्ष किया है और अब ये बनकर तैयार होने वाली है, जिसे लेकर वो लगातार पार्किंग की समीक्षा कर रहे हैं। तो 9 नवंबर को उद्घाटन इसलिए नहीं हो पाया, एक्चुअली इसमें कुछ तकनीक दिक्कतें यहीं आई थी, जैसे हमारी लिफ्ट है और लिफ्ट जो है चूँकि वो दिल्ली से आती है और दिल्ली से ही उसको आना था। दूसरा जो इसमें हाइडल से हमको बिजली का कनेक्शन लेना था उसकी फॉर्मेलिटीज में थोड़ा टाइम लगा और कई फिनिशिंग आइटम भी हमारे स्तर से रह गए थे, तो हमने चाह रहे थे कि जो है ये चूँकि पूरे कंप्लीट हो जाए तो उसके लिए अब जो नई तारीख उन्होंने 20 तारीख हमको बताई है तो 20 नवंबर तक हम इसको पूरा कंप्लीट करके देंगे। देखा गया अक्सर कि बहुत ही कठोर काम चला है बीच बीच में, सिर्फ एक लेबर रहती है, सीमा थी और कई बार पूरी हो सकी। ये मैं इसमें पिछले जब से मैं आया हूँ तब से हमने इसका काम बहुत तेज़ी से किया है, और उससे पहले के तो मैं आप लोग देख रहे होंगे, लेकिन जब से मैं आया हूँ तब से हमने इसके लगातार इसकी जो है जिस स्टेज पे इस पर कोई स्लैब नहीं पड़ी थी हमारे उस पिछले 6 महीनों में इसका पूरा कार्य हम 5 स्टेज लेवल 5 तक का हमने जो है पूरा इसकी स्लैब डाली है, इसमें जो है इसके अप्रोच स्लैब डाली है और ये सब काम लगभग कंप्लीट हो गया है। क्या माना जाए कि 20 नवंबर तक ये पूरा कंप्लीट हो गया? बिल्कुल 20 नवंबर तक हम इसको जो है कंप्लीट कर देंगे, फाइनल है हमारा, फाइनल है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में एक सुनवाई के दौरान 1962 की जंग का जिक्र आया। जी हां, चारधाम हाईवे परियोजना के तहत सड़क चौड़ीकरण से जुड़ी एक अर्जी पर सुनवाई के दौरान सरकार ने अपने जवाब में कहा कि हम 1962 की तरह सोते हुए नहीं रह सकते, ये मुद्दा चारधाम तीर्थयात्रियों से ज्यादा सेना की जरूरतों का है। चीन ने उस पर बुनियादी ढांचा तैयार कर लिया है और 1962 जैसी जंग को टालने के लिए सेना को चौड़ी और बेहतर सड़कों की जरूरत है। सरकार ने कोर्ट को बताया कि
ऋषिकेश से गंगोत्री, ऋषिकेश से माना और तनकपुर से पिथौरागढ़ जैसी सड़कें जो देहरादून और मेरठ के आर्मी कैंप को चीन की सीमा से जोड़ती हैं, इन कैंप में मिसाइल लॉन्चर और हैवी आर्टिलरी मौजूद है। केंद्र सरकार ने कहा कि आर्मी को किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने की जरूरत है और हम 1962 की तरह सिर्फ सोए नहीं रह सकते। तो वहीं नैनीताल हाईकोर्ट ने बुधवार को एक अहम फैसले में उत्तर प्रदेश के बाहुबली नेता डीपी यादव को भाटी हत्याकांड मामले में बाइज्जत परी कर दिया। कोर्ट ने सीबीआई कोर्ट के साल 2015 के फैसले को पलटते हुए डीपी यादव को बरी किया है। सीबीआई कोर्ट ने यादव को दादरी के विधायक रहे महेंद्र भाटी की हत्या के मामले में दोषी मानकर आजीवन कारावास की सजा दी थी। बता दें कि उत्तर प्रदेश का यह बेहद चर्चित मामला था, जब सांसद रहे डीपी यादव पर उनके राजनीतिक गुरु महेंद्र भाटी की हत्या का आरोप लगा था। 13 सितंबर 1992 को दादरी में रेलवे स्टेशन में विधायक महेंद्र भाटी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। तो एक काशीपुर और रामनगर के बीच ग्राम उदयपुरी चोपड़ा में खेत में काम कर रहे मजदूरों पर अचानक बाघ ने हमला कर दिया। आपको बता दें कि इस हमले में एक व्यक्ति घायल हो गया है। घायल को रामनगर के राजकीय चिकित्सालय में भर्ती करवा दिया गया है। इस इलाके में कई बार बाघ के हमले की घटनाएं हो चुकी हैं। बाघ के आबादी क्षेत्र में वितरण को लेकर वन विभाग को लिखा गया था कि वन विभाग ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया, इस कारण से ग्रामीण दहशत में रहने को मजबूर है। मामला ये आले हसन पर ये सुबह हमला हुआ, शेर ने हमला किया है और आए दिन हमले होते रहते हैं और शेर कई बार देखा भी गया है इस एरिया में, लेकिन इसमें वन विभाग कोई जो है ध्यान नहीं दे रहा है इस पर। तो अब ये किसान ये अपने खेत को जाते रहते हैं, इसमें जो है कभी भी ऐसी घटना घट सकती है, तो इसे कहना यही है कि वन विभाग इसमें। तो उत्तराखंड में 2022 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर दिल्ली जंगपुरा विधानसभा के आम आदमी पार्टी के विधायक रुड़की पहुंचे, या घोड़ेवाला से भारापुर तक निकाली गई तिरंगा यात्रा में वे शामिल हुए। तो वही आम आदमी पार्टी के पिरान कलियर प्रभारी शादाब आलम भी इस चुनाव में अपनी ताकत झोंकते नजर आ रहे हैं। भारापुर भौरी और अन्य क्षेत्र के सैकड़ों लोगों ने आम आदमी पार्टी की सदस्यता ली। जिस तरीके से उत्तराखंड में तमाम, चाहे वो कोई भी गली हो, चाहे गांव हो, चाहे वो कोई भी शहर हो, आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से अब पूरे उत्तराखंड के हर एक गली मोहल्ले तक पहुंच चुकी है और लोगों द्वारा जो रुझान दिया जा रहा है, लोगों द्वारा जो समर्थन आम आदमी पार्टी और आम आदमी पार्टी के प्रभारियों को, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को दिया जा रहा है, वो काबिले तारीफ है। और लोग इस समय पूरी तरीके से तैयार है आम आदमी पार्टी को सत्ता में लाने के लिए, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने भाजपा और कांग्रेस और उनके तमाम विधायकों द्वारा जिस तरीके से देखा कि किस तरीके से भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, लोगों को सिर्फ लूटने और लूटने का काम किया है। देखिए, दिल्ली में तो जो भी विकास किया है आपने सब लोगों ने देखा है, वो जो उत्तराखंड में किया जाएगा वो शायद काबिले तारीफ होगा, क्योंकि वहाँ पे बहुत सीमित मात्रा में हमारी गवर्नमेंट के पास अधिकार थे, बट जो उत्तराखंड गवर्नमेंट है। तो वही उत्तराखंड की 70 सीटों पर विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी भी अपना दम दिखाएगी और जल्द ही समाजवादी पार्टी अपना चुनावी घोषणा पत्र भी जारी करेगी। ये जानकारी ऋषिकेश स्थित लोक निर्माण विभाग के गेस्ट हाउस में पहुंचे उत्तर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री और सपा नेता राजेंद्र चौधरी ने दी। विधानसभा का चुनाव उत्तराखंड का बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ जनता के साथ भारी धोखा हुआ है, पलायन रुका नहीं है, रोजगार मिला नहीं है, अर्थव्यवस्था चौपट है, दूर दराज चिकित्सा का कोई इंतजाम नहीं हो पाया, लोग बहुत निराश हैं भाजपा के शासन से, इसलिए समाजवादी पार्टी 2022 के विधानसभा के चुनाव में उत्तराखंड की सभी। तो वही खानपुर के ढंडेरा में 9 नवंबर की शाम दीयों की जगमगाहट से सराबोर हो गई, जब वरिष्ठ पत्रकार उमेश शर्मा के नेतृत्व में उत्तराखंड स्थापना दिवस के मौके पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में हजारों की संख्या में लोगों की भीड़ पहुंची और कई घंटों तक एक शानदार कार्यक्रम उत्तराखंड के क्रांतिकारियों की याद में आयोजित किया गया, जिसमें दिन छिपने से पहले 1 किलोमीटर लंबा तिरंगा फहराया गया और शाम होते ही कार्यक्रम में मौजूद सभी उत्तराखंड वासियों ने एक एक दिया
उत्तराखंड के शहीदों की याद में जलाया। सुवीर कुमार हैं, सकुंतला नेथानी हैं, सर्वेश्वरी चमोली हैं। लगातार पिछले 5 सालों से ऐसा कार्यक्रम करता आ रहा हूं। रामपुर थराय पर हम लगातार 2 अक्टूबर और 9 नवंबर को कार्यक्रम करते थे, लेकिन इस बार मुझे लगा कि शायद हम उत्तराखंडियों की ताकत जो है ना, वो उसका लोगों को एहसास नहीं है, तो हमने कहा चलिए उनको उन्हीं के गढ़ में जाके जवाब देते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। तो आज ये कार्यक्रम उसी की झलक है। और हम क्या है, 9 नवंबर एक राज्य स्थापना दिवस है और एक बड़ा दिन होता है, और ये राज्य जो है वो बहुत बड़े आंदोलन के बाद 42 लोगों की शहादत के बाद हमें मिला है। तो वह उत्तराखंड के लालकुआं में वरिष्ठ भाजपा नेता पवन चौहान ने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत पर हमला बोला। उन्होंने हरीश रावत के आपदा पीड़ितों से मुलाकात करने को चुनावी एजेंडा करार दिया है। पत्रकारों से उन्होंने कहा कि जिस समय पीड़ितों को तत्काल मदद की आवश्यकता थी, उस समय भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी लोगों के बीच में थे, मगर विपक्ष और कांग्रेस पार्टी के लोग पूरी तरह से गायब दिखे। बुखार किसी को अब आया है और उसको एक महीने बाद बुखार उतारने की दवाई देंगे तो कैसा असर करेगी? वो जब पीड़ित थे बेचारे, जब उनके गले गले आई थी, जब उन पे उनका कैसे उनकी स्थिति हो गई थी, जमीन उनकी चली गई, मकान उनका चला गया, और हरीश राव जी आज 1-1.5 महीने बाद यहाँ पहुँच रहे हैं, और उसके बाद आज आर्थिक मदद क्या कर रहे होंगे? कहाँ गए थे हरीश राव जी, उनके विपक्ष के प्रतिपक्ष नेता, अन्य लोग? अब चुनावों में उन्होंने सोचा बिंदु खत्ते में मेरा प्रचार हो जाएगा और मैं बाढ़ पीड़ितों की मदद करने का समय जब जरूरत होती है तभी कोई चीज मदद के लिए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।